एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू टू माय चैनल ज्योति स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो फर्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट एंड रिपीट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वीडियो में भी हमने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ कई सारे टाइप्स डिस्कस किए थे और वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की थी जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टाइप्स हमने कवर किए थे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज है वो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और हम नहीं चाहते कि आपका एक भी टाइप छूटे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, विद इन 3 to 5 मिनट ट्रिक्स हमारी, जिससे आप फटाफट एग्जाम में अपने टाइम को बचाते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, 3430 रुपए में 16.2% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आपको सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है। ये आपको दिया है एसपी। एसपी क्यों? क्योंकि इस पर बेची गई है, ठीक है। किस दर पर? ये आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, इतने लाभ पर बेची गई है। और आपसे पूछा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बताओ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी जो भी परसेंटेज वैल्यू हमें दी होती है, हम इसी परसेंटेज वैल्यू से अपने आंसर को निकालेंगे। जिन बच्चों ने हमारी परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी, हमने आई थिंक 6 या 7 पार्ट परसेंटेज के अपलोड किए हैं वीडियोज के थ्रू, तो वो सारे पार्ट्स आप जरूर देखिए, सारी वीडियोज को अच्छे से वॉच करें अगर आप आने वाले सारे टॉपिक और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी टॉपिक हम अर्थमेटिक में पढ़ाएंगे, उन सभी में परसेंटेज इन्वॉल्व होना ही है। तो इसलिए जिन्होंने परसेंटेज की वीडियो को नहीं देखा है, अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले आप अपना परसेंटेज क्लियर कीजिए। बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, एक एक टाइप सारी वीडियोज में कवर करा है, एक भी टाइप हमने छोड़ा नहीं है। तो वो 6 या 7 पार्ट जो भी हमने अपलोड किए हैं, वो सारी वीडियोज को आप अच्छे से वॉच करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 16 से 2/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। आपको टिप्स पर वैल्यूज पता होनी चाहिए। फटाफट हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6। जो बच्चे नए हैं वो पूछेंगे कि कैसे 1/6 आया। तो जब आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3। और इस परसेंट का जो साइन है, इसका मतलब क्या है कि आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई है वो 1/6 आई है, ठीक है। 1/6 के लाभ पर बेचा है, यानी कि 6 की वस्तु को 1 के लाभ पर बेचा है, यानी कि किस पर बेचा है, 7 पर। 6 रुपए की कोई वस्तु है, उस पर आपने 1 रुपए का लाभ कमाया और आपने उसको कितने पर बेच दिया, 7 रुपए पर। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 है और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब इन दोनों में से आपको जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप उससे इसको कंपेयर करो। आपको क्या गिवन है, एसपी की वैल्यू, यानी कि 7 की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 3430। अगर आपको 1 की वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि आपसे आपको किसकी निकालनी है, 6 की, जो आपका कॉस्ट प्राइस है। अगर आपको 7 की वैल्यू पता चल जाती है तो आप 1 की निकाल लोगे, 1 की आ जाती है तो आप 6 की निकाल लोगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 4 28, 7 9 63 0। अब आपको किसकी चाहिए, यही आपका आंसर है, 6 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 54 24 और 5 29, यानी कि इतने रुपए जो है ये आपका क्या आ गया है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया है, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ गया है। इतने में आपने वस्तु को खरीदा था, फिर आपने 16 से 2/3% के लाभ पर उसको बेचा 3430 रुपए में। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिया किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचती है, वास्तविक हानि क्या है, ठीक है। 25% हानि, तो सबसे पहले मैंने बोला परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व करो। 25% का मतलब क्या है, 1/4, 100 से आप डिवाइड करोगे, 1/4। अब 1/4, अब देखो यहाँ पर हानि पूछ रहा है, हानि बोल रहा है, हानि का मतलब क्या है कि आपने सीपी से कम में बेचा है, कॉस्ट प्राइस से कम में हानि होगी। प्रॉफिट कब होता है, जब आप कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में वस्तुओं को बेचते हैं तब प्रॉफिट होता है, और
कॉस्ट प्राइस से जब कम में बेचते हैं तो हानि होती है। यहाँ पर हानि हुई है यानी कि ₹4 अगर इसका कॉस्ट प्राइस है तो एक की हानि पर बेचा है यानी कि एसपी कितना है यहाँ पे ₹3 है। लेकिन यहाँ से पूछा वास्तविक हानि, आपसे पूछा विक्रय मूल्य पर इतनी हानि हुई है विक्रय मूल्य पर, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो रियल में होता है वो हमेशा किस पर होता है बेटे, क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर हानि है यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 आपका क्या है एसपी है, हानि आपकी 25% विक्रय मूल्य पर हुई है, सेलिंग प्राइस पर हुई है। अब जब हानि आपका जो सेलिंग प्राइस 4 है और हानि हो रही है लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग सीपी यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ये देखने में छोटा सा है बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि आपको विक्रय मूल्य पर 25% की हानि दे दी है यानी कि आपका जो एसपी है वो 4 है और सीपी यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपसे पूछा है वास्तविक हानि बताओ, तो वास्तविक हानि या लाभ किस पर होता है सीपी पर होता है, तो एक की हानि हुई है सीपी आपका कितना है 5 है तो 1/5 यानी कि आपकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप फटाफट बोल दोगे मैम 20%, जिन बच्चों को नहीं आता है वो 100 से डिवाइड 5 को इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 × 10 यानी कि 20%। तो यही आपका आंसर है, जो इसकी वास्तविक हानि है वो 20% हुई है लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपका सेलिंग प्राइस पर हानि दे रखी थी और आपसे पूछा था वास्तविक हानि। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि आपको कॉस्ट प्राइस पर हानि बताओ, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वास्तविक हानि बताओ, आपको खुद ही पता करना चाहिए कि वास्तविक हानि किस पर होती है कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो फटाफट आपको यहाँ पर सीपी की नीड है, सीपी निकालो और अपनी वास्तविक हानि यानी कि रियल जो लॉस हुआ है वो किस पर हुआ है कॉस्ट प्राइस पर फाइंड आउट कर लो। तो फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। करते हैं आज का नेक्स्ट टाइप, बहुत ही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्यादातर बच्चे जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उनको ही टफ लगता है मैथ, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इवन मैं ये कहूंगी कि हिंदी से भी ज्यादा इजी सब्जेक्ट आपका मैथ्स होता है अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, जैसे जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है आप सिर्फ उसको अप्लाई करो। ठीक है, आप अपने भी शॉर्टकट ट्रिक्स बना सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो, सिर्फ और सिर्फ अगर नीड है किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको इसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट टफ सिर्फ तब तक होता है जब तक वो हमें आता नहीं। ठीक है, जब आप छोटे थे आपके नर्सरी में एडमिशन हुआ था तो आपको एबीसीडी भी नहीं आता था, उस टाइम पे आपको पेंसिल पकड़ना भी टफ लगता होगा एबीसीडी भी टफ लगता होगा, फिर आपको धीरे धीरे चीजें आने लगी है ना, स्टार्टिंग में तो 2 का टेबल भी टफ लगता होगा लेकिन जब आपको पहाड़े याद हो गए तो आपको 20 का 25 का पहाड़ा भी इजी लगने लगा। तो चीजें टफ या इजी नहीं है, सब्जेक्ट सारे बहुत अच्छे होते हैं इंटरेस्टिंग होते हैं, डिपेंड किस पर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, आपने उस सब्जेक्ट को अपना कितना टाइम दिया है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी सब्जेक्ट की, जितना आप टाइम देंगे, जितना आप उसके लिए बिल्कुल मतलब टाइम प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, है ना, प्रॉपर आप टाइम दीजिए मैथ्स को 1 घंटे 2 घंटे अगर जिस बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं है, यकीन मानिए आपको 1 से 2 महीने में इतना फर्क खुद में समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे तो आता था सिर्फ मैं इसको टाइम नहीं दे रहा था। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस स्किप मत कीजिए, रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट टाइप, एक वस्तु को ₹7,170 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹5,270 में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.9% ज्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये इस रेट पर बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है और अगर वो 5,270 में बेच रहा है तो हानि हो रही, लेकिन लाभ हानि से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 11.9% ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर इस कोई भी जो वस्तु है, एक वस्तु है जो उसका अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है, क्रय मूल्य पता चल जाता है, तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 10% लाभ कमाने के लिए हमें उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य नहीं दिया है हमें यहाँ पर, क्या इतने में बेच रहा है या फिर इतने में, दोनों ही कंडीशन में हमको सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी दे रखा है और हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी अपनी परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व करेंगे और कैसे
से ध्यान लीजिए। सबसे पहले आपको देखना है 11 से ही 1/9 प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/9। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 99 और 100, 100 से 100 को डिवाइड करेंगे, 1/9 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतने रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब क्या है, 9 पर 1 रुपए का लाभ होगा यानी कि 10 पर, और हानि कितने पर होगी, 9 पर। अब देखो कैसे करते हैं कि लाभ ये लिख लिया और हानि हमारी हो गई, हानि माइनस में है, ठीक है। 7170 रुपए में बेच रहा है, 7170 में इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और अगर ये 5270 रुपए में बेच रहा है तो इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको कैसे करते हैं कि हमारा जो सीपी आएगा वो कहीं ना कहीं इस लाभ और हानि के बीच में ही तो होगा। या तो हम जो हमारा लाभ है उसमें हम अपने प्रॉफिट को माइनस कर लें तो सीपी आ सकता है, या फिर जो हमारी हानि हो रही है उसमें हम उसको प्लस कर लें कितनी हानि हो रही है तो हमारा सीपी आ जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि इस ये जो आपको परसेंटेज वैल्यू दी है लाभ और हानि की, और जो आपको दोनों सेलिंग प्राइस दिए हैं उनका डिफरेंस निकालते हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 10 और माइनस माइनस 9, तो ऑलरेडी ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 19। इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 0 0, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 5 गया 1, 1900। यानी कि 19 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ गई है, 1900 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन को फिर से समझना कि अगर हम इतने पर बेच रहे हैं यानी कि तो लाभ हो रहा है, और 5270 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, यानी कि लाभ जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 19 की जो वैल्यू है वो 1900 के बराबर है, ठीक है बेटे। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 100 रुपए के बराबर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, या तो अगर आप इस 10 की वैल्यू निकाल लो और इसमें से माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा, या फिर 9 की वैल्यू यानी कि 900 को इसमें प्लस कर दो तो सीपी आ जाएगा। आपके पास दो कंडीशन है अपना सीपी निकालने का, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। 10 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई है, 1000 प्रॉफिट हुआ है। अगर आप उसको प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 9 की वैल्यू कितनी है, 900। हानि को जब प्लस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस आता है। तो दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, 7170 में 1000 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 6170। ये आपका क्या हो गया, सीपी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। सीधे सीधे 6170 का 10% कितना होता है, 617 रुपए। यानी कि 6170 में अगर हम 617 को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि हमारा 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को हम कितने रेट पर बेचेंगे। तो आपका जो आंसर है वो 6 7 8 7 6, दिस इज योर आंसर कि 6787 रुपए में अगर हम वस्तु को बेचेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 10% का। किस वस्तु पर, जिस पर इतने पर बेचने पर लाभ और 5270 में बेचने पर हानि होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम दोनों वैल्यूज का क्या निकालते हैं बेटे, डिफरेंस निकालते हैं। हम कह सकते हैं कि दोनों एसपी का हम डिफरेंस निकालते हैं और अपनी जो परसेंटेज वैल्यू जो हमने निकाली है उसके इक्वल रख देते हैं और फटाफट हमारा आंसर आता है। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे सेम टाइप से ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से ये वाला टाइप क्लियर हो जाए। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। अभी जो टाइप हमने डिस्कस किया था उसी टाइप से हम एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स होंगे उस क्वेश्चन में वो इसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आप भले ही दिन में 10 क्वेश्चन करिए, 10 टाइप आप किसी भी टॉपिक के करिए, लेकिन वो 10 टाइप ऐसे होने चाहिए कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपका एटलीस्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा पढ़िए लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दीजिए, लेकिन अच्छा पढ़िए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में एकदम से सब कुछ समझ में आ रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो आप देख रहे हैं और आपको एकदम से सब कुछ इजी लग रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्किप हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी टाइप लेट समझ में आ रहा है, बट अगर आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे एक बार अच्छे से और आपका क्लियर हो जाएगा फिर उस टाइप से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो उसी टाइप से एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। जब एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 2750 रुपए में बेचा जाता है उससे मिलने वाली हानि का 20 गुना है। लाभ हानि का 20 गुना, यानी कि हानि
एक है तो लाभ कितना है 20 है। ये लाभ 20 कब हो रहा है, जब उसको 8000 में बेच रहे हैं, और हानि कब हो रही है, जब उसको 2750 में बेच रहे हैं। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा। ठीक है, अगर हमें इस एक की वैल्यू पता चल जाती है तो हम उस एक की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा सीपी आ जाएगा। अगर हमें 20 की वैल्यू पता चल जाती है तो उस 20 की जो वैल्यू है उसको इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा सीपी आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या बोला, इनका और इनका डिफरेंस निकालो और इनको इक्वल कर दो। 20 में जब आप 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 21, और इनको आप डिफरेंस करेंगे तो 0, 5, 2 और यहाँ पर बचा 5। ठीक है, 7 में से 2 गया 5, 0। ठीक है, 10 में 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और आपका आ गया 7। यानी कि 21 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5250 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 × 2 = 42 और 21 × 5 = 105। यानी कि एक की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए के बराबर है। अब हमें 1 की पता चल गई है 250 रुपए, यानी कि जो हमारा सीपी होगा अगर हम इसमें 250 रुपए प्लस कर दें तो हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। यानी कि सीपी आपका बेटे कितना आ गया, 3000 रुपए। ठीक है, हमें, मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपका अगर टाइप क्लियर हो जाएगा तो आपको इसी क्वेश्चन को पढ़ने में मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे। सीपी 3000 आ गया। आपसे पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचें, तो आपको 3000 का 20% तुरंत पता होना चाहिए कि 600 रुपए होता है 3×2 = 6। यानी कि 3000 को अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो 600 रुपए को प्लस कर देंगे, यानी कि आपका जो एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3600 रुपए। आई होप आपका अब ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, कोई बात नहीं बेचने दो, अगर वह इसको 4200 रुपए में ज्यादा में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। 4200 रुपए अगर वो ज्यादा कर रहा है तो लाभ कितना हो रहा है, 13%। पहले वो किसी भी वैल्यू पर बेच रहा होगा, किसी भी मतलब 4200 रुपए, लेकिन जब वो ज्यादा उसके बढ़ा देता है, मान लीजिए पहले 100 रुपए में बेच रहा है, 200 में बेच रहा है, लेकिन तो उसको लाभ कितना हो रहा था, 7% का। जैसे ही वो 4200 रुपए उस पे बढ़ाता है एसपी पे, उसको प्रॉफिट कितना हो जाता है, 13% का। यानी कि 13 में अगर हम 7 को माइनस करेंगे, 6% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4200 रुपए के बराबर। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यानी कि 6% = 4200, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700 रुपए। 1% की जब 700 रुपए आ गई है और आपको क्रय मूल्य पूछा है, जब कुछ भी वैल्यू नहीं दी है तो सीपी अपने आप में 100% होता है। यानी कि जो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 70000 रुपए। हमने क्या कर दिया, 100 से 700 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ डिफरेंस को इक्वल कर देते हैं, तो जितने ज्यादा में हम बेच रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़े बहुत ही इजी टाइप है कि 7% पर बेचता था लाभ पर, कोई भी अमाउंट पे बेचता होगा नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो उसमें 4200 रुपए बढ़ाता है सेलिंग प्राइस पर, उसका लाभ कितना हो जाता है, प्रॉफिट 13% का। यानी कि 6% की वैल्यू आपको दे रखी थी और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। करते हैं आज का नेक्स्ट टाइप। राजू किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 40% लाभ होता। आपको इसमें इनिशियल सीपी बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100 मान लो। ठीक है, और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कहता है आपको सिर्फ वैसा ही करना है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 100 का 10% 10 होगा, यानी कि सीपी 100 है तो एसपी कितना हो गया, 110। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी कि जो 100 की वस्तु इसने ली है 20% कम यानी कि 80 रुपए खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। अब 80 का 40% कितना होगा, 32, 8×4 = 32, यानी कि +32 पर बेचता 40% का लाभ होता, तो यहाँ पर आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 112 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 40% का लाभ कब हो रहा है,
जब 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, आपके अकॉर्डिंग कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं? 2 रुपए ज्यादा में, 110 और 112। आपके अकॉर्डिंग जो 2 रुपए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है? 20 रुपए। यानी कि एक यूनिट की आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। और आपसे पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, आपने क्रय मूल्य कितना माना है? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 रुपए। दिस इज योर आंसर। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे। विपिन किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। इसमें भी हम अपने जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उसको क्या करेंगे? 100 मान लेंगे, ठीक है। और 10% लाभ पर बेचता है, कितने पर बेच रहा है? 110 पर। अगर उसने इसे 20%, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नए नए टाइप्स और नए नए ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करेंगे। आपका कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें कंसिस्टेंसी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।